So hello everybody, this is Priti Shruti and welcome back to my YouTube channel again. And in today's session हम एक poem के बारे में discuss करेंगे, Women in Dutch Painting, which was written by Eunice D'Souza. Okay, तो देखो हम चार चीज़ों पर बात करेंगे. पहले तो हम थोड़ा Eunice D'Souza के बारे में बात करेंगे, फिर poem को समझेंगे line by line, फिर what are the literary devices that has used उसके बारे में बात करेंगे, and ultimately जो main idea है poem की उसके बारे में बात करेंगे. चार चीज़ों पर, Eunice D'Souza, about the poem, about the literary devices and what was the main idea of this poem, what was the theme of this poem, ये चार चीज़ों पर हम बात करेंगे. ओके, तो पहले देखो Eunice D'Souza के बारे में अगर कुछ बताऊँ तो she was a very famous Indian woman poet and she was the first woman to be included in the Oxford India anthology in 12 Indian women poets, okay, modern poets 1992, okay, जहाँ पर उनको include किया गया था. and साहित्य अकेडमी winner जेरी पिंटो ने उनके बारे में comment किया था that she was an eminent figure who has dominated the poetry skyline, okay, she was an eminent figure who has dominated the poetry skyline, ये कहा था जेरी पिंटो ने Eunice D'Souza के बारे में. एंड और एक बात, रंजीत हैस्कोट भी उनके बारे में बोले थे, दैट मैं एग्जैक्ट वाला आपको पढ़ के सुना देती हूँ. रंजीत हैस्कोट ने उनके बारे में कहा था दैट फॉर यंग पोएट्स, पर्टिकुलरली वोमेन पोएट्स, ओके, पर्टिकुलरली वोमेन पोएट्स, हर अप्रोच वॉज वेरी लिबरेटिंग, ये कहा था रंजीत हैस्कोट ने Eunice D'Souza के बारे में. एंड उनकी पोएटिक स्टाइल के बारे में कहा था दैट सी हैड ए डिस्टिंक्टिव वॉइस, सी हैड ए डिस्टिंक्टिव वॉइस, वेरी अनसैडोनिक एंड देयर वॉज ए काइंड ऑफ क्वेल विस्डम इन हर पोएट्री, ओके, एंड हर वर्क बिकेम मोर मिनिमलिस्ट ओवर टाइम एंड द पोएम्स इन हर लास्ट कलेक्शन हैव ए क्रिस्टलाइन क्लैरिटी, ये कहा था रंजीत हैस्कोट ने Eunice D'Souza के पोएटिंग स्टाइल को लेके. देखो मैं एक बात बता दूँ कि आप जब भी एंसर शीट पर लिखते हो किसी पोएट या पोएटिस के बारे में, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि वो कहाँ बर्न हुए थे या फिर कब उनकी बर्थ हुई थी, कब डेथ हुई थी, वो कहाँ से बिलोंग करते थे या फिर उनकी स्कूलिंग कहाँ हुई थी, वो अपना मास्टर कहाँ पर अचीव किए थे, ये सब आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको बस इतना लिखना है कि या अगर वो किसी चीज़ के लिए फेमस है, उनकी कोई फेमस कोट है, उनकी कोई फेमस कैप्शंस है, किसी बड़े अथर ने अगर उनके बारे में कुछ कहा है, ठीक है, उनकी कुछ रिकॉग्निशंस है, तो ये सब चीज़ आपको लिखना है. एंड अगर उनकी कुछ फेमस वर्क्स लिखना है, उनकी पब्लिकेशंस डेट लिखना है, जैसे Eunice D'Souza, वो बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं, ठीक है, बहुत सारे चिल्ड्रंस बुक लिखे हैं, जैसे कि दंगल लोग, देव एंड सिमरन, ओके, वुमेन इन डॉच पेंटिंग जो कि पब्लिश हुआ था 1988 को, तो ये सब चीज़ आपको मैंशन करना है. एंड उनकी पोएटिक स्टाइल कैसी थी, वो किस प्रकार के मतलब चीज़ जो है वो लिखती थी, जैसे कि Eunice D'Souza वो लिखती थी बेसिकली वुमेन के बारे में, उनकी फाइटिंग के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, उनकी सफरिंग के बारे में. उनका मेन कैरेक्टर जो होते थे वो होते थे एक डेली वेज वर्कर, एक मेड, एक हाउसवाइफ, उनके बारे में वो लिखा करती थी, ठीक है. तो ये सब चीज़ आपको मेंशन करना है, ठीक है, कि उनकी कोई फेमस कोट, कैप्शंस, या फिर उनके बारे में अगर किसी ने कुछ कमेंट किया है, कुछ बोला है, ठीक है, उनके कुछ, देन सेकेंडली उनके वर्क्स एंड पब्लिकेशंस डेट, एंड थर्डली अगर मतलब उनकी राइटिंग स्टाइल किस प्रकार की होती थी, वो किस चीज़ों को बेसिकली फोकस करते थे, ये सब चीज़ आपको लिखना है अपने आंसर शीट पर, ठीक है. तो हम डायरेक्ट चलते हैं पोएम पे अब, ठीक है, वुमेन इन डॉच पेंटिंग. तो पहले आपको टाइटल समझना है कि वुमेन इन डॉच पेंटिंग उसका मतलब क्या, डॉच मतलब क्या, द पीपल फ्रॉम हॉलैंड और नीदरलैंड, राइट. तो ये पोएम में Eunice D'Souza एक डॉच वुमेन के बारे में बोले हैं एक पेंटिंग के थ्रू, कि वो किस प्रकार के होते हैं, वो दिखते कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, उनकी बिहेवियर कैसी होती है, वो ये बताना चाहती हैं, ठीक है, वुमेन इन डॉच पेंटिंग, कि एक डॉच वुमेन किस टाइप की होती है, कैसे दिखती है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसकी बिहेवियर कैसी होती है, वो एक पेंटिंग के थ्रू बताना चाहती है Eunice D'Souza. ओके, तो पोएम देखते हैं. द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस, दे आर काम नॉट स्टूपिड, प्रेग्नेंट नॉट बोवाइन, आई नो वुमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स, एंड आंट हु डिड नॉट आंसर हर हस्बैंड बैक, नॉट बिकॉज शी वॉज प्लेन, एंड अन्ना हु राइट्स पोएम्स एंड होप्स हर एवोकाडो स्टोन विल स्प्राउट इन द किचन, हर वॉइस इज ओटमील एंड हनी. देखो बस इतनी सी छोटी सी पोएम है. एंड Eunice D'Souza जो है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे, ताकि जो भी रीडर पढ़े उसको बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से उसको समझ पाए, ठीक है. तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, द वुमेन्स द आफ्टरनून सन इज ऑन देयर फेसेस. तो आफ्टरनून सन में क्या होती है, एक अलग ही ग्लेस होती है, ब्राइटनेस होती है, गोल्डन कलर की होती है, राइट, ग्लो होती है.
तो यहाँ पर यूनिस डिसोजा ने आफ्टरनून सन को एक ओमेन की फेस के साथ कंपेयर किया है कि जिस प्रकार एक आफ्टरनून सन में एक ब्राइटनेस होती है, एक ग्लेस होती है, एक गोल्डन कलर होती है, उसी प्रकार जो डच ओमेन होती हैं उनके चेहरे पर भी हमेशा ग्लो होती है, चार्म होती है, एक ग्लेस होती है। दैट मीन्स द डच ओमेन दे आर प्रेटी, दे लुक्स प्रेटी ब्यूटिफुल, वो बहुत ही प्रेटी होती है, बहुत ही ब्यूटिफुल होती हैं, ठीक है। दे आर काम नॉट स्टूपिड, वो बहुत ही काम होती हैं बट स्टूपिड नहीं होती हैं। दे आर काम मतलब उनकी जो नेचर होती है वो बहुत ही काम होती है, बहुत ही क्वाइट होती है, वो सिंप्लिसिटी कैरी करती हैं, सिंपल नेचर की होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूपिड होती हैं या फुलिस होती हैं, ठीक है। दे प्रेगनेंट नॉट बोवाइन, वो प्रेगनेंट होती है बट बोवाइन नहीं होती। बोवाइन मतलब क्या, काउ लाइक, ठीक है। तो एक प्रेग्नेंट वोमेन को एक काउ के साथ कंपेयर किए हैं, ठीक है। देखो एक काउ की लाइफ की कैसे होती है कि हम जैसे उसको लीड करेंगे वो ऐसे ही बने करेगा, वो ना तो कुछ बोल पाता है ना कुछ अपनी मर्जी से कुछ कर पाता है। जैसे हम उसको लीड करते हैं, जैसे ट्रीट करते हैं, वो ऐसे ही करता है। तो उस टाइम जो पैट्रियकल सोसाइटी था वहाँ पर एक वोमेन की स्टेटस क्या थी कि उनका सिर्फ काम था कि नो दे विल प्लीज देयर हस्बैंड एंड द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। उनका सिर्फ काम होता था कि वो मेल मेंबर्स को प्लीज करेंगे, अपने हस्बैंड को खुश करेंगे, ठीक है। एंड दे आर मीड फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन, ऐसा माना जाता था। उनका और कुछ काम नहीं है, दे आर अनफिट फॉर एनी गुड डेट्स, वोमेन जो हैं दे आर अनफिट फॉर एनी गुड डेट्स, ये माना जाता था। बट यहाँ पर यूनिस डिसोजा है जो हैं वो बताना चाह रही हैं कि जो वुमेन होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं बट बोवाइन नहीं होती है, वो एक काउ के जैसे मीनिंगलेस लाइफ स्पेंड नहीं करती है। रादर उनकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही मीनिंगफुल होती है, वो उनकी लाइफ में भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो चाइल्ड बर्थ करती हैं, अपनी पूरी फैमिली को मेंटेन करती हैं, सबके ध्यान रखती हैं, अपनी चाइल्ड को चाइल्ड की टेक केयर करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, सिखाती है, ठीक है। तो वो एक मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड करती है, ना कि एक काउ के जैसे मीनिंगलेस लाइफ, ठीक है। आई नो वोमेन लाइक दैट एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग। एंड यूनिस डिसोजा वो बोलती है कि आई नो वोमेन लाइक दैट, मैं ऐसे बहुत सारे वोमेन को जानती हूँ, सिर्फ पेंटिंग में नहीं, इन रियल लाइफ ऑल्सो, इन रियलिटी ऑल्सो मैं ऐसे बहुत सारे वोमेन को जानती हूँ। एंड आंट हु डिड नॉट एंसर हस्बैंड बैक, एंड आंट, आंट मतलब यहाँ एक पर्टिकुलर किसी आंट के बारे में नहीं, रादर ऑल वोमेन के बारे में बताया गया है, ऑल वोमेन को सिम्बलाइज किया गया है। एंड आंट हु डिड नॉट एंसर हर हस्बैंड बैक, मतलब मैं ऐसे बहुत सारे वोमेन को जानती हूँ, नॉट जस्ट इन पेंटिंग, सिर्फ पेंटिंग में नहीं, रायदा इन रियल लाइफ ऑल्सो मैं ऐसे बहुत सारे वोमेन को जानती हूँ जो अपने हस्बैंड को ऐसा बैक नहीं करती हैं। ओके, नॉट बिकॉज सी वॉज प्लान, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान है, कुछ समझती नहीं है, कुछ जानती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। रायदा वो बहुत ही सिंपल नेचर की होती है, ओवर सिंप्लिसिटी कैरी करती है, वो बहुत इनोसेंट होती है, बहुत फ्रैजिल होती है, वो नहीं चाहती है अननेसेसरीली मतलब आर्ग्यू हो, क्वारल हो, इसीलिए वो ऐसा बैक नहीं करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ समझती नहीं, वो स्टूपिड होती है, वो फुलिस होती है, प्लान होती है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। एंड अन्ना हु राइट्स पोएम्स एंड होप्स आर एवोकेडो स्टोन्स विल स्प्राउट इन द किचन। एंड अन्ना, अन्ना कौन है, वो एक बहुत ही ग्रेट रशियन पोएट्रेस है जो कि वो भी वोमेन के बारे में लिखा करती हैं, ठीक है। वो बताती हैं कि एंड अन्ना हु राइट्स पोएम्स, ओके, अन्ना जो कि पोएम्स लिखते हैं वोमेन के बारे में, वो बताती हैं एंड होप करती हैं कि जो वोमेन है, देखो एवोकेडो स्टोन्स, एवोकेडो क्या होती है, एक फ्रूट होती है जिसके अंदर उसकी बीज होती है, अगर हम उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, सर्कमस्टेंसेस देते हैं, तो वो भी जर्मिनेट होता है एंड फ्रूटफुल होता है, राइट। तो यहाँ पर अन्ना ने एवोकेडो स्टोन को एक वोमेन की हिडन टैलेंट के साथ कंपेयर किए हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एवोकेडो को अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं तो वो भी जर्मिनेट होता है, लाइक दैट अगर हम एक वोमेन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर एक चांस प्रोवाइड करते हैं जो कि एक मैन अचीव करता है, वो सारे चांसेस अगर हम एक वोमेन को भी देते हैं तो उसके भी जितने सारे हिडन टैलेंट्स हैं वो भी एक्सप्लोर होगी, वो भी बाहर आएगी, ठीक है। एंड अन्ना हु राइट्स, अन्ना वो अपनी राइटिंग्स में ये सब लिखते हैं, होप करते हैं कि अगर हम एक वोमेन को भी इफ़ वी विल प्रोवाइड एवरी ईच चांसेस दैट ए मैन गेट टू ए वोमेन एज वेल, देन हर हिडन टैलेंट्स ऑल्सो एक्सप्लोर, उसकी भी जो हिडन टैलेंट्स है वो भी एक्सप्लोर करेगी,
ठीक है बाहर आएगी। हर वॉइस इज ओटमील एंड हनी, उसकी जो वॉइस होती है उसमें वो बहुत ही स्वीट होती है लाइक हनी, बट उसमें बहुत ही पावर भी होती है, बहुत ही पावरफुल भी होती है। ओटमील जो कि एक हेल्दी फूड को कहा जाता है ओटमील, ठीक है, एंड हनी। देखो बस इतनी सी है पोएम। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन एक डच वोमेन की ब्यूटी के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि उसको आफ्टरनून सन के साथ कंपेयर किया गया है। सेकेंडली ये बताया गया है कि वो उसकी नेचर कैसी होती है, वो बहुत ही सिंपल नेचर की होती है, सिंप्लिसिटी कैरी करती है, बहुत ही काम एंड क्वाइट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूपिड होती है, फुलिस होती है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती है, ऐसा नहीं है। देन थर्डली वो प्रेग्नेंट होती है बट बोवाइन नहीं होती है। प्रेग्नेंट होती है इट डजेंट मीन दैट दे आर ओनली मीट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन, राइट, और दे ऑल्सो स्पेंड ए वेरी मीनिंगफुल लाइफ। वो अपनी फैमिली को मेंटेन करती है, अपनी चाइल्ड की टेक केयर करते हैं, एक मीनिंगफुल लाइफ स्पेंड करते हैं, ठीक है। ऐसा ये मतलब नहीं है कि वो बोवाइन होती हैं। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे वुमेन को जानती हूँ, सिर्फ पेंटिंग में नहीं, इन रियल लाइफ ऑल्सो बहुत सारे वुमेन को जानती हूँ जो अपने हस्बैंड को ऐसा बैक नहीं करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन होती है, उन्हें किसी चीज़ की समझ नहीं होती, रादर वो नहीं चाहते हैं अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, राइट। एंड नेक्स्ट लास्ट लाइन में अन्ना के बारे में बोला गया है, अन्ना जो कि एक ग्रेट पोएट्रेस है, वो भी अपनी राइटिंग्स में लिखती हैं कि जो वोमेन है उनकी जो हिडन टैलेंट है उसको एवोकेडो स्टोन के साथ कंपेयर किया गया है। एंड उसको भी अगर हम एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देते हैं, हर एक चांस देते हैं जो हम मेन को देते हैं, अगर वोमेन को भी वो सारे चांसेस दिया जाए तो उसकी भी जो हिडन टैलेंट है वो एक दिन बाहर आएगी, एक्सप्लोर होगी। एंड वोमेन जो कि सप्रेस्ड होकर रह जा रही है, डोमिनेट होकर रह जा रही है पेट्रिकल सोसाइटी में, तो वो भी एक दिन मतलब एक्सप्लोर करेगी, अपने टैलेंट को बाहर निकालेगी एंड विल बी एज इक्वल टू मैन। ओके सो बस इतनी सी है पोएम, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड देखो जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है यहाँ पर फ्रॉम द, ये तो है कि फ्रॉम द फर्स्ट लाइन मेटाफोर का यूज़ हुआ है, एंड एक डॉज वोमेन की जो फेस है उसके साथ उसको आफ्टरनून सन के साथ कंपेयर किया गया है, राइट, आफ्टरनून सन के साथ। नेक्स्ट देखो कंपैरिजन की यूज हुआ है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट वोमेन को एक काओ के साथ कंपेयर किया गया है, काओ लाइक बोवाइन के साथ कंपेयर किया गया है। एंड लास्टली भी एक मेटाफोर का यूज़ हुआ है जहाँ पर एवोकेडो स्टोन को कंपेयर किया गया है एक वोमेन की हिडन टैलेंट के साथ, एक वोमेन की हिडन टैलेंट के साथ। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। द मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट कि जो पॉट है समय ये पॉइंट के थ्रू बताना चाहती हैं कि द वोमेन दे आर इन नो वे इन्फीरियर टू मैन, ओके, एंड इफ वी विल प्रोवाइड दैम द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड एवरी चांसेस दैट ए मैन गेट, देन देयर हिडन टैलेंट ऑल्सो गेट चांस टू एक्सप्लोर। ओके द वोमेन दे कैन ऑल्सो शो देयर हिडन टैलेंट इफ यू प्रोवाइड दैम द प्रॉपर अपॉर्चुनिटी। ओके सो दिस इज द मेन आइडिया।